सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ लुथरा और आप देख रहे हैं बंदूक वाले। प्यास लग गई, इसी को काट देना। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे स्मॉल आर्म फैक्ट्री का प्रहार रिवॉल्वर डा और राइफल फैक्ट्री इच्छापुर का मार्क टू पिस्टल। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल गुरु जी की तरह। तो ये है, सबसे पहले मैं अनबॉक्सिंग करूँगा इसके। तो ये दिखने में बॉक्स बड़ा अच्छा लगता है, जैसे ज्वेलरी का होता है राइट। तो ये दिखने में कुछ ऐसा दिखता है और इसके साथ हमें बस एक डोरी मिलती है और ये बेकार सी होती है। ऐसे मेरे पास अच्छी अच्छी पड़ी हुई है शॉप पे, इफ़ यू लाइक इट। तो ये दिखने में कुछ इस तरह सा दिखता है और इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है यार इसमें। और ये दिखने में काफ़ी हद तक जो है वो मार्क फोर की तरह है, वो भी स्मॉल आर्म फैक्ट्री का ही है। तो इसमें इन्होंने चेंजेस क्या करे हैं, इन्होंने इस पर पेंट मतलब अलग तरह की कोटिंग करके देते हैं इस बार, जिसमें अगर आपने पुराना मार्क फोर देखा हो तो आपको पता होगा कि ये काफ़ी हद तक सिमिलर है। पर जो कि कंपनी कहती है कि इसकी जो मार है वो 40 मीटर है, जबकि मार्क फोर की जो थी वो सिर्फ 20 मीटर तक थी। मे भी इन्होंने इसकी जो अंदर बैरल है, जो बैरल का साइज़ है वो थोड़ा यू नो नैरो करा है ताकि ये दूर तक गोली जा सके। बाकी आई डोंट नो कैसे ये कह रहे हैं इसकी मार ज़्यादा है तो होगी भाई। बाकी मैं चला के तो एक बार दिखाऊंगा ही नेक्स्ट वीडियो में। तो फायरिंग की जो है वो अगली वीडियो है, अगर आपको फायरिंग देखनी है तो वो आपको दोबारा दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इसके साथ यहाँ पे इसका लॉक आता है, तो ये लॉक हो गया। अब ये फायर नहीं करेगा और इसका फायर करेगा और इसका जो फायरिंग है वो स्मूथ है, रदर दैन मार्क थ्री, मार्क फोर और जो भी इनके पहले मॉडल आते थे, ये काफ़ी स्मूथ है। और क्योंकि पहले तो काफ़ी लोग ले लेते थे पर उनसे चलता ही नहीं था, वो ऐसे करके चलाते थे। तो इसके अलावा ये बैरल बिल्कुल दिखने में बिल्कुल मार्क फोर जैसा है, बस पेंट का फर्क है। और बाकी ग्रिप जो है ये ग्रिप पे भी पेंट करके देते हैं आजकल। तो अब हम आते हैं पिस्टल पे। तो जो पिस्टल का बॉक्स है वो बिल्कुल प्लास्टिक का है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने लिखा है RFI, यहाँ पे इंडियन ऑर्डिनेंस की स्ट्रेंथ। ये थोड़ा सा ऐसे खुलता है और ना ये बॉक्स बड़े हल्के होते हैं यार, ये यहाँ से काफ़ी टूट जाते हैं, बहुत कस्टमर्स की कंप्लेन है। तो जब ये खोलते हैं ये थोड़ा सा गिरने वाला था ऐसा होता है, जिसमें ये देते हैं एक रॉड सेट जो कि बेकार है, उसके अलावा एक स्पेयर मैगजीन जो कि काम का है, एक पिस्टल ऑब्वियसली और एक बुकलेट, ये शायद कोई पढ़ता हो। तो अब आ जाते हैं इससे। तो ये है पिस्टल और मैं बता दूं ये बेस्ट सेलिंग पिस्टल है। तो इसकी खासियत यह है कि इसमें आप मैगजीन को ये सीन भी काट देना। नहीं टाइट हो सकते हैं यार, तो इसमें 8 गोलियां बढ़ती हैं। इसको लोड करो, इसको लोड करो एंड मेरे को पिस्टल, मैंने खुद के लाइसेंस में पिस्टल रखा हुआ है तो मेरे हिसाब से तो पिस्टल बेस्ट है। बाकी
ये जो है ये बेस्ट सेलिंग पिस्टल है। जो पिस्टल है इसको आप पहले इसको ध्यान से देखिए, तो ये इसकी कुछ इस तरह से लुक आती है, फाइबर ग्रिप और दिखने में ये कुछ ऐसा है। ये इसका हैमर है और ये तो अब बात आती है कंपैरिजन पे। तो अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो ये दोनों जो है ये इस वक्त बेस्ट सेलिंग में आ रहे हैं, दोनों बहुत ही बेस्ट सेलिंग पे आ रहे हैं और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं इंडिया में। और पर अगर मेरे हिसाब से पूछो तो मैं ऑलवेज भाई पिस्टल कहूँगा, क्योंकि पिस्टल जो है इसको कैरी करना ईजी होता है, इसको यूज़ करना ईजी होता है, इसमें मोर सेफ्टी होती है। लाइक अभी रिसेंटली यहाँ पे केस हुआ था कि एक पुलिस वाले का रिवॉल्वर नीचे गिरा और वो फायर कर गया और पुलिस वाले की मौत हो गई। तो कैसे होती है कि ये जो रिवॉल्वर है इसकी चाहे आप जितना मर्जी लॉक लगा लो, ये इन द एंड जब भी ये मान लो इसकी गोली जो सामने पड़ेगी, तो मान लो इसके आपने सारा भरे हुए है इसमें गोलियां और जब आप इसको बंद करते हैं तो आप चाहे इस पर लॉक भी लगा लो, लॉक लगाने में हालांकि ये जब इस पर आप लॉक लगाओ ये फायर नहीं करेगा, पर जब ये रिवॉल्वर गिरेगा तो इसका जो नीचे जो सरफेस है वो इसके हैमर पे टच करेगा और जब ये हैमर पे टच करेगा तो ये फायर होगा ही होगा, जो मर्जी कर लो जितने मर्जी लॉक लगा लो। तो जब ये फायर करे जब ये गिरेगा ये फायर करेगा और एक्सीडेंट होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। पर ये सेम चीज़ पिस्टल में नहीं होती, क्योंकि पिस्टल में जो है बहुत तीन चार तरह के लॉक किए जाते हैं। जैसे सबसे पहला लॉक कि अगर है तो लोड करोगे तभी गोली अंदर जाएगी, तो ये भी हम इसको लॉक कंसीडर कर सकते हैं। सेकेंडली जब हम इसको लोड करते हैं तो इसका ये लॉक यहाँ पे आ जाता है, तो ये इसका सेकेंड लॉक हो गया। तो थर्ड लॉक जो है इसका वो है अगर मान लो इसका मैगजीन बाहर है तो ये फायर नहीं करेगा। क्यों फायर नहीं करेगा? क्योंकि इसका मैगजीन बाहर है, तो ये भी इसका बहुत सही फीचर है। और उसके अलावा इसका ये क्लच एक्शन, मान लो ये अगर आप बाई मिस्टेक आपने ये लोड है और आप इसको अपनी पॉकेट में डालते हो, किसी चीज़ में डालते हो और ये ऐसे टच होगा तो ये फायर नहीं होगा। क्यों फायर नहीं होगा? क्योंकि इसके जो क्लच की प्रॉपर जब हम इसको ग्रिप बनाएंगे ना तभी ये फायर करेगा, वरना ये फायर नहीं करेगा। और ग्रिप बनने के बाद ये फायर करता है। और इसके अलावा इसका एक खासियत पता क्या है? अब कुछ लोगों को इसको बैकलॉक करना बड़ा बैकलोड करना बड़ा मुश्किल सा लगता है। तो मान लो आप ऐसी सिचुएशन में हो यहाँ पे आप इसको लोड ही नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आप इसको लोड करोगे, गोली मान लो बैरल में आ गई, तो करना क्या है, बस इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे बंद कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये बैरल में गोली चली जाएगी और आपको ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में जा रहे हो और वहाँ पे आपको लूट करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो बस आपको हैमर पीछे खींचना है एंड ये फायर के लिए रेडी है। और जब भी फायर करेगा दूसरी गोली अपने आप ऑटोमेटिकली चढ़ती जाएगी अंटिल गोलियाँ ख़त्म नहीं होंगी, और जब गोलियाँ ख़त्म होंगी आप मैगजीन निकालो, दूसरा मैगजीन भरो एंड इट्स रेडी टू गो। तो मेरे हिसाब से तो भाई पिस्टल ही अच्छा है, बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अपने अपने टेस्ट होता है। बाकी अगर आप इन दोनों की फायरिंग देखना चाहते हो तो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। बाकी आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वन। तो आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री का प्रहार और RFI का